अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आर्बिट्रेशन अवार्ड, और इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ अवार्ड, रिमिटिंग द अवार्ड एंड सेटिंग असाइड ऑफ अवार्ड। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ एन आर्बिट्रेशन अवार्ड। एन आर्बिट्रेशन अवार्ड और आर्बिट्रल अवार्ड इज़ अ डिटर्मिनेशन ऑन द मेरिट्स बाय एन आर्बिट्रेटर फॉर द डिस्प्यूट रेफर टू हिम और देम। आर्बिट्रेशन अवार्ड इज़ बेसिकली अ जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय एन आर्बिट्रेटर। जिस तरह कोर्ट ऑफ लॉ में हम सूट फाइल करते हैं और कोर्ट दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद और उनके एविडेंस देखने के बाद उसमें जजमेंट प्रोनाउंस करती है, इसी तरह आर्बिट्रेटर को जब कोई डिस्प्यूट रेफर किया जाता है तो वो दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद और उनके एविडेंस देखने के बाद जो अपनी जजमेंट प्रोनाउंस करता है उसे आर्बिट्रेशन अवार्ड कहते हैं। तो आर्बिट्रेशन अवार्ड इज़ बेसिकली अ जजमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। अब आर्बिट्रेशन अवार्ड से रिलेटेड आर्बिट्रेटर की कुछ ड्यूटीज़ हैं जो कि सेक्शन 14 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट में बताई गई हैं। जैसे कि सेक्शन 14 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट, अवार्ड शुड बी साइंड एंड इन राइटिंग, कि अवार्ड जो है वो इन राइटिंग होना चाहिए, अवार्ड ओरल नहीं होना चाहिए, और आर्बिट्रेशन अवार्ड जो है वो आर्बिट्रेटर की तरफ से साइंड होना चाहिए। अब सेक्शन 14 का पहला पैरा जो है वो हम पढ़ लेते हैं। When the arbitrator or umpire have made their award, they shall sign it and shall give notice in writing to the parties of the making and signing thereof. Meaning thereby, award जो है वो in writing होना चाहिए, और जिस तरह judgment जो है वो जज की तरफ से signed होती है, इसी तरह award जो है वो भी arbitrator की तरफ से signed होना चाहिए। अब जब arbitrator ने अपनी judgment pronounce कर दी, अपना award pronounce कर दिया और उसे साइन कर दिया, तो आफ्टर मेकिंग एंड साइनिंग ऑफ अवार्ड वो दोनों पार्टीज़ को नोटिस सेंड करेगा ऑफ मेकिंग एंड साइनिंग ऑफ अवार्ड। अब मेकिंग एंड साइनिंग ऑफ अवार्ड और नोटिस सेंड करने के बाद दो सिचुएशंस अराइज होती हैं। फर्स्ट, अगर आर्बिट्रेशन जो है वो विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट है, तो आर्बिट्रेटर जो है वो दोनों पार्टीज़ को नोटिस सेंड करने के बाद ख़ुद से अवार्ड को कोर्ट में भी सबमिट करेगा टू मेक इट अ रूल ऑफ कोर्ट। और दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आर्बिट्रेशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट है, तो दोनों पार्टीज़ या दोनों पार्टीज़ में से कोई एक पार्टी जो है वो आर्बिट्रेशन अवार्ड को कोर्ट में सबमिट करेंगे टू मेक इट अ रूल ऑफ कोर्ट। अब जब अवार्ड को कोर्ट में सबमिट किया जाता है तो कोर्ट की भी कुछ ड्यूटीज़ हैं। सबसे पहले कोर्ट ये देखती है कि अवार्ड जो है वो लिमिटेशन के अंदर अंदर फाइल किया गया है कि नहीं। अब कोर्ट ने सबसे पहले लिमिटेशन देखनी है, और इस सूरत में उस कोर्ट ने देखना है कि जो लिमिटेशन है आर्टिकल 178 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908, जो कि टाइम पीरियड दे रहा है 19 डेज़ का फॉर फाइलिंग ऑफ अवार्ड, कि आया ये अवार्ड 19 डेज़ के अंदर अंदर फाइल किया गया है कि नहीं। अब ये जो 19 डेज़ हैं ये कैलकुलेट होंगे उस दिन से जब दोनों पार्टीज़ को नोटिस इशू किया जाएगा। आर्बिट्रेटर ने अवार्ड पास किया, उसको साइन किया, और इसके बाद दोनों पार्टीज़ को नोटिस सेंड कर दिया ऑफ मेकिंग एंड साइनिंग ऑफ अवार्ड, के अवार्ड जो है वो लिखा जा चुका है और उस पर साइन हो चुके हैं। अब जब दोनों पार्टीज़ को ये नोटिस चला गया, उसके 90 दिन के अंदर अंदर अगर दोनों पार्टीज़ या दोनों पार्टीज़ में से कोई एक पार्टी कोर्ट में अवार्ड को सबमिट कराना चाह रहे हैं टू मेक इट अ रूल ऑफ कोर्ट, ताकि उस आर्बिट्रेशन अवार्ड की बेसिस पे कोर्ट से भी जो है डिग्री ले ली जाए, तो उस सूरत में दोनों पार्टीज़ ने 90 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में वो अवार्ड सबमिट कराना है। और अगर आर्बिट्रेटर जो है वो ख़ुद से कोर्ट में अवार्ड सबमिट कराता है इन केस ही इज़ अपॉइंटेड विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, तो फिर उसे उसके ऊपर ये 90 दिन का पीरियड जो है वो अप्लाई नहीं करेगा। ये 90 दिन की लिमिटेशन जो है उस वक्त अप्लाई करेगी जब पार्टीज़ जो है वो अप्लाई करेंगी अवार्ड को रूल ऑफ कोर्ट बनाने के लिए। अब सबसे पहले जो है कोर्ट वो लिमिटेशन देखेगी फॉर फाइलिंग ऑफ अवार्ड, क्या वो 90 दिन के अंदर अंदर फाइल किया गया है कि नहीं, और उसके बाद जो है कोर्ट एग्जामिन करेगी वैलिडिटी ऑफ अवार्ड की, कि वेदर इट हैज़ एनी एरर ऑन द फेस ऑफ इट, वेदर द रीजनिंग ऑफ अवार्ड इज़ क्लियर और वेल रीजन्ड, और अगर उसको लगता है कि इसमें कोई भी एरर नहीं है या प्रॉपरली रीजन्ड है, प्रॉपरली लिखा गया है, तो कोर्ट जो है वो इन टर्म्स ऑफ अवार्ड जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी और उस जजमेंट को डिग्री फॉलो करेगी। अब जहाँ तक अवार्ड के बाइंडिंग होने का ताल्लुक है,
तो रूल 7 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट ये कह रहा है कि अवार्ड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, कि जो अवार्ड आर्बिट्रेटर ने प्रोनाउंस कर दिया वो फाइनल होगा और दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हैं मॉडिफिकेशन ऑफ अवार्ड एज पर सेक्शन 15 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट, रिमिटिंग ऑफ अवार्ड एज पर सेक्शन 16 एंड 26A ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट, सेटिंग असाइड ऑफ अवार्ड एज पर सेक्शन 30 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट। मतलब इन सूरतों में अवार्ड को चेंज किया जा सकता है और वो बाइंडिंग नहीं रहेगा दोनों पार्टीज के ऊपर। अब जब अवार्ड को कोर्ट में सबमिट कराया गया तो कोर्ट ने सबसे पहले लिमिटेशन देखी, उसके बाद कोर्ट ने अवार्ड को एग्जामिन किया। अब एग्जामिन करने के बाद अगर कोर्ट को लगा कि जो है आर्बिट्रेटर ने जो अवार्ड दिया है जिस डिस्प्यूट के ऊपर, वो डिस्प्यूट से हट के उसने कुछ और मैटर्स को भी डिसाइड कर लिया है और वो जिन मैटर्स को डिसाइड किया है वो रेस्ट ऑफ द डिस्प्यूट से सेपरेट हो सकते हैं, इन दैट केस कोर्ट कैन मॉडिफाई द अवार्ड। अब जब मॉडिफिकेशन की बात होती है तो इस पे रूल ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई करता है। कोर्ट सिर्फ उस सूरत में अवार्ड को मॉडिफाई कर सकती है इफ़ इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अवार्ड विदाउट इफेक्टिंग इट। अगर पार्ट ऑफ अवार्ड इस मैटर पे रेफर करता है जो कि डिस्प्यूट उसे आर्बिट्रेटर को रेफर ही नहीं किया गया था और ये पार्ट जो है वो रेस्ट ऑफ द मैटर से सेपरेट किया जा सकता है, इन दैट केस कोर्ट जो है अवार्ड को मॉडिफाई करेगी। और अगर कोर्ट को लगे कि अवार्ड जो है इम्परफेक्ट इन फॉर्म है और इसमें कोई ऑब्वियस एरर मौजूद है, इन दैट केस कोर्ट जो है उसको मॉडिफाई करेगी। और अगर कोर्ट को लगे कि कोई क्लरिकल मिस्टेक मौजूद है तो वो कोर्ट जो है उस क्लरिकल मिस्टेक को ठीक करने के लिए अवार्ड को मॉडिफाई कर सकती है। क्या हुआ कि आर्बिट्रेटर को एक डिस्प्यूट रेफर किया गया, उसने दोनों पार्टीज़ को सुना, उनकी एविडेंस ली और उसमें अपना डिसीजन दिया जो कि एक आर्बिट्रेशन अवार्ड है। आर्बिट्रेशन अवार्ड को लिखने के बाद उसने साइन किया और दोनों पार्टीज़ को नोटिस सेंड कर दिया। दोनों पार्टीज़ को नोटिस सेंड किया और साथ ही अवार्ड को कोर्ट में सबमिट करा दिया। जब अवार्ड कोर्ट में सबमिट हुआ तो कोर्ट फिर से दोनों पार्टीज़ को नोटिस सेंड करेगी और साथ ही साथ कोर्ट की जो अवार्ड है उसकी वैलिडिटी को एग्जामिन करेगी। अब जब कोर्ट ने अवार्ड की वैलिडिटी को एग्जामिन किया तो वो किन सिचुएशंस में अवार्ड को मॉडिफाई कर सकती है, वो ये तीन सिचुएशंस हैं जैसे कि हमने अभी पढ़ा, दैट पार्ट ऑफ अवार्ड इज अपॉन मैटर नॉट रेफर टू आर्बिट्रेशन एंड सच पार्ट इज सेपरेबल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ डिसीजन, कि आर्बिट्रेटर ने कुछ ऐसे मैटर्स के ऊपर भी डिसीजन दे दिया कि जो उसको रेफर ही नहीं किए गए थे और वो मैटर जो हैं वो रेस्ट ऑफ द डिसीजन से ईजिली सेपरेट हो सकते हैं, तो इस सूरत में कोर्ट अवार्ड को मॉडिफाई करेगी। सेकंड, अगर अवार्ड जो है वो इम्परफेक्ट इन फॉर्म है और कोई ऑब्वियस एरर उसमें नज़र आ रहा है, दैट सिचुएशन कोर्ट कैन मॉडिफाई एन अवार्ड। एंड फाइनल इज इफ़ एन अवार्ड कंटेन एनी क्लरिकल मिस्टेक और एरर, मतलब आर्बिट्रेटर को अगर कोई मैटर रेफर किया गया और उसने सारी कैलकुलेशन एग्जैक्ट की लेकिन जब एंड पे उसने टोटल अमाउंट लिखना था वो उसने गलत लिख दिया, इन दैट केस अवार्ड कैन बी मॉडिफाइड और कोर्ट जो है उस अवार्ड को जो फाइनल उसने कैलकुलेटेड अमाउंट गलत लिखी थी उसको जो है मॉडिफाई करके करेक्ट कर सकती है। अब सेकंड सिचुएशन ये आती है कि अगर तो वो मैटर रेस्ट ऑफ द मैटर से सेपरेट हो सकता है जिस पे कि आर्बिट्रेटर ने डिसीजन दिया और वो डिस्प्यूट उसको रेफर नहीं किया गया था, लेकिन अगर वो रेस्ट ऑफ द मैटर से सेपरेट नहीं हो सकता तो फिर जो है कोर्ट अवार्ड को रिमिट करेगी आर्बिट्रेटर को फॉर रिकंसिडरेशन। अब रिमिटिंग ऑफ अवार्ड के कुछ सरकमस्टांसेस हैं जिन जिन सिचुएशंस में अवार्ड जो है वो रिमिट किया जा सकता है, वो सरकमस्टांसेस ये हैं, अवार्ड हैज़ नॉट बीन मेड ऑन द मैटर रेफर्ड और मेड ऑन द मैटर नॉट रेफर्ड एंड दैट पार्ट इज़ नॉट सेपरेबल फ्रॉम द रेस्ट, कि अवार्ड जो है ऐसे मैटर्स पे दिया गया जो कि मैटर रेफर ही नहीं किया गया था, और या फिर ऐसे मैटर पे दिया गया कि जो रेफर किया गया था और उसके साथ साथ आर्बिट्रेटर ने कुछ ऐसे डिसीजंस को मैटर्स को भी डिसाइड कर दिया जो उसे रेफर नहीं किए गए थे और वो मैटर जो है वो रेस्ट ऑफ द मैटर से सेपरेट नहीं किए जा सकते,
तो इन दैट सिचुएशन कोर्ट जो है वो अवार्ड को रिमिट करेगी आर्बिट्रेटर को कि उसको रिकंसिडर करें। सेकेंड सिचुएशन ये है कि वेयर अवार्ड इज़ इनडेफिनेट एंड नॉट एबल टू एग्जीक्यूशन, मतलब आर्बिट्रेटर ने एक डिस्प्यूट में फैसला किया और उसे लगा कि जिस पार्टी के अगेंस्ट डिसीजन आया है उसे कुछ कॉस्ट देनी चाहिए, और वो कॉस्ट इतनी ज़्यादा हाई थी कि वो जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉबरेंट थी और वो जस्टिफाइड नहीं थी। इन दैट केस जो है कोर्ट अवार्ड को रिमिट कर सकती है फॉर रिकंसिडरेशन। अगर कोर्ट को कोई इलीगैलिटी अवार्ड में अपरेंट ऑन द फेस ऑफ इट नज़र आए कि मतलब आर्बिट्रेटर ने किसी एक पार्टी की एविडेंस को डिस्कस किया है जबकि दूसरी पार्टी की एविडेंस को अपने अवार्ड में डिस्कस ही नहीं किया, इन दैट केस भी जो है कोर्ट अवार्ड को रिमिट कर सकती है। फाइनल सिचुएशन यह है कि अगर अवार्ड में आर्बिट्रेटर ने अपने रीजंस ही नहीं लिखे जिसके बेसिस पर उसने जजमेंट प्रोनाउंस की है, इन दैट केस सिचुएशन भी कोर्ट जो है वो अवार्ड को रिमिट करेगी आर्बिट्रेटर को कि उसको रिकंसिडर करे और फिर से लिख के उसमें प्रॉपर रीजंस लिखे और फिर दोबारा से कोर्ट में सबमिट कराए। अब चार सिचुएशन है जिनमें अवार्ड जो है वो रिमिट किया जा सकता है आर्बिट्रेटर को। फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसने डिसीजन दिया ऐसे डिस्प्यूट पे जो कि उसको रेफर ही नहीं किया गया था, या उसने किसी ऐसे डिस्प्यूट पे भी डिसीजन दे दिया जो उसको रेफर नहीं किया गया था और वो रेस्ट ऑफ द मैटर से सेपरेट नहीं हो सकता। मतलब एक तो जो डिस्प्यूट उसको रेफर किया गया था उस पर डिसीजन दिया और साथ में किसी ऐसे डिस्प्यूट पे भी डिसीजन दे दिया जो उसको रेफर ही नहीं किया गया था और वो रेस्ट ऑफ द मैटर से सेपरेट नहीं हो सकता था, तो कोर्ट उसको रिमिट करेगी आर्बिट्रेटर को कि इसको रिकंसिडर करे और दोबारा से अवार्ड लिख के सबमिट कराए। अगर वो रेस्ट ऑफ द मैटर से सेपरेट हो सकता है तो कोर्ट उसको खुद से मॉडिफाई कर देगी। सेकेंड सिचुएशन रिमिटेंस की ये है कि अवार्ड जो है वो इनडेफिनेट है और नॉट एबल टू एग्जीक्यूशन है। थर्ड सिचुएशन ये है कि कोई इलीगैलिटी अवार्ड पे ऑन द फेस ऑफ इट नज़र आ रही है, और थर्ड सिचुएशन ये है कि जो आर्बिट्रेटर है उसने रीजंस नहीं लिखे जिनके बेसिस पे उसने जजमेंट प्रोनाउंस की, तो इन दैट सिचुएशन भी कोर्ट जो है वो अवार्ड को रिमिट कर देगी आर्बिट्रेटर को कि दोबारा से रिकंसिडर करके कि अवार्ड कोर्ट में सबमिट कराया जाए। अब जब अवार्ड जो है रिमिट किया जाएगा तो उससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो कोर्ट ने फॉलो करने हैं, और वो ये हैं कि कोर्ट विल शैल फिक्स अ टाइम फॉर रीसबमिशन ऑफ अवार्ड। अब जब कोर्ट ने अवार्ड रिमिट किया तो साथ ही कोर्ट अपने ऑर्डर में टाइम भी फिक्स कर देगी कि इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर आर्बिट्रेटर ने जो अवार्ड है वो कोर्ट में सबमिट कराना है दोबारा से। लेकिन ये जो टाइम है ये एक्सटेंडेबल है, अगर आर्बिट्रेटर कोर्ट के फिक्स किए हुए टाइम के अंदर अंदर आर्बिट्रेशन अवार्ड दोबारा कोर्ट में सबमिट नहीं करा पाता तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेगा फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, और कोर्ट इसको टाइम एक्सटेंड करके दे सकती है एज़ पर सेक्शन 28 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। सेकेंड रूल यह है कि रिमिशन इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट एंड इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर द कोर्ट टू रिमिट एन अवार्ड। अगर कोर्ट को लगे कि अवार्ड को रिकंसिडर करना बाय आर्बिट्रेटर ठीक है तो ही वो आर्बिट्रेशन अवार्ड को रिमिट करेगी, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर कोर्ट उसको रिमिट ना करना चाहे तो वो उसको स्ट्रेट अवे सेट असाइड भी कर सकती है। अब अगर कोर्ट ने एक दफ़ा अवार्ड रिमिट किया और दोबारा से रिसबमिशन के बाद भी कोर्ट को लगा कि इसमें बहुत सी गलतियां और बहुत से लैकुनास मौजूद हैं तो कोर्ट अवार्ड को बार बार रिमिशन में नहीं भेजेगी बल्कि वो स्ट्रेट अवे उसको सेट असाइड कर देगी। और अगर आर्बिट्रेटर और एम्पायर जो है वो अवार्ड से रिमिट किया गया और वो उसको रिकंसिडर करने में कामयाब ना हो सका, इन दैट केस भी कोर्ट अवार्ड को सेट असाइड कर देगी। अब क्या हुआ कि जब अब आर्बिट्रेटर ने अवार्ड प्रोनाउंस किया, जजमेंट प्रोनाउंस की, उसे साइन किया, दोनों पार्टीज को नोटिस सेंड किए और अवार्ड को कोर्ट में सबमिट करा दिया, या आर्बिट्रेटर ने अवार्ड साइन किया, दोनों पार्टीज़ को नोटिस सेंड किए और उन पार्टीज़ में से किसी ने अवार्ड को कोर्ट में सबमिट कराया, तो कोर्ट सबसे पहले ख़ुद अवार्ड को एग्जामिन करेगी। और अपॉन एग्जामिनेशन अगर तो कोर्ट को ऐसी सिचुएशंस नज़र आए, ये जो तीन सर्कमस्टांसेस हमने पढ़े हैं जो कि सेक्शन 15 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट में दिए गए हैं, अगर कोर्ट को ये तीन सर्कमस्टांसेस नज़र आते हैं तो कोर्ट खुद से अवार्ड को मॉडिफाई कर सकती है। और अगर कोर्ट को
वो सिचुएशंस नज़र आए उस अवार्ड को एग्जामिन करने के बाद जो कि मॉडिफिकेशन से हट के हैं, जैसे कि अवार्ड जो है उस मैटर पे नहीं है जो कि उसको रेफ़र किया गया था, अवार्ड जो है वो इनडेफिनेट है, अवार्ड में कुछ इलीगैलिटी है, अवार्ड में रीजंस नहीं लिखे गए, तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है या तो वो अवार्ड को रिमिट कर दे या उसको सेट असाइड कर दे। अब सेटिंग असाइड के कुछ डायरेक्ट जो हैं ग्राउंड्स के जिसमें पार्टीज़ भी एप्लीकेशन फाइल कर सकती हैं फॉर सेटिंग असाइड ऑफ अवार्ड, वो सेक्शन 30 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट से डील कर रहा है। सेक्शन 30 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट में ग्राउंड फॉर सेटिंग असाइड अवार्ड जो लिखे गए हैं वो 6 हैं, जैसे कि एन आर्बिट्रेटर और एम्पायर हैज मिसकंडक्टेड हिमसेल्फ और द प्रोसीडिंग्स, एन आर्बिट्रेटर और एम्पायर हैज मिसकंडक्टेड हिमसेल्फ। हिमसेल्फ का मतलब ये है कि अगर आर्बिट्रेटर को आर्बिट्रेशन के लिए डिस्प्यूट रेफर किया गया जबकि आर्बिट्रेटर किसी एक पार्टीज़ के साथ इंटरेस्टेड था, मतलब उसकी एक पार्टीज़ के साथ पहले से कुछ बिजनेस डीलिंग्स चल रही थी या उसके फैमिली टर्म्स थे लेकिन उसने अपनी ये इंटरेस्ट दूसरी पार्टी को डिस्क्लोज नहीं की, या आर्बिट्रेटर किसी एक पार्टी से रिश्वत ले लेता है उसके हक में फैसला कर देता है, तो दिस इज़ कॉल्ड आर्बिट्रेटर और एम्पायर मिसकंडक्टेड हिमसेल्फ। दूसरी सिचुएशन ये है कि आर्बिट्रेटर और एम्पायर हैज मिसकंडक्टेड द प्रोसीडिंग्स, मतलब आर्बिट्रेटर ने किसी एक पार्टी को एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे दी और एक पार्टी को एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए एक से ज़ायद अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी। आर्बिट्रेटर ने अगर एक पार्टी ने कोई एविडेंस दिया जो कि उसने दूसरी पार्टी को डिस्क्लोज करने से पहले पहली पार्टी से परमिशन लेनी थी और उसने पहली पार्टी से परमिशन लिए बगैर ही दूसरी पार्टी को डिस्क्लोज कर दी एविडेंस, या आर्बिट्रेटर किसी एक पार्टी से छुप छुप के मुलाकातें कर रहा है इन रिलेशन टू मैटर रेफर टू हिम फॉर आर्बिट्रेशन, इन दैट केस आर्बिट्रेटर हैज मिसकंडक्टेड द प्रोसीडिंग्स। थर्ड सिचुएशन ये है कि आर्बिट्रेशन अवार्ड जो है वो उस वक्त दिया जाए कि जब आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग ही सस्पेंडेड हुई थी, और अवार्ड जो है उसकी उस सिचुएशन में दिया जाए कि जब आर्बिट्रेशन जो है वो इनवैलिड हुई थी उसकी प्रोसीडिंग्स। अब ये सिचुएशन प्रोसीडिंग जो है वो सस्पेंड और इनवैलिड कब होती हैं कि जब दोनों पार्टीज़ ने एक डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के लिए रेफ़र किया और ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेशन एक पार्टी जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में सूट फाइल कर देती है उसी डिस्प्यूट से रिलेटेड। अब जब कोर्ट ऑफ लॉ में सूट फाइल हो जाता है उस दौरान आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग सस्पेंड हो जाती है। अब अगर आर्बिट्रेटर को मालूम है कि दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टी ने इसी डिस्प्यूट से रिलेटेड कोर्ट में सूट फाइल कर दिया है और कोर्ट ने अभी तक सूट की प्रोसीडिंग को स्टे नहीं किया, उसके बावजूद आर्बिट्रेटर जो है वो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को आगे लेकर चलता रहे और वो उसमें अवार्ड प्रोनाउंस कर दे, तो वो जो अवार्ड होगा वो इनवैलिड होगा क्योंकि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग सस्पेंड हो चुकी थी। इस सूरत में जो अवार्ड आएगा कोर्ट उसको सेट असाइड कर देगी। फिफ्थ सिचुएशन ये है द अवार्ड इज इम्प्रॉपरली प्रोक्योर्ड, मीनिंग देयर बाय के अवार्ड जो है वो अनलॉफुली दिया गया है, उसमें बहुत सी इलीगैलिटीज़ हैं, जैसा कि हमने रिमिटेंस में भी पढ़ा कि आर्बिट्रेटर ने जो है एक ही पार्टी की एविडेंस को डिस्कस किया, उसी पे रिलाई किया और उसी के बेसिस पे अवार्ड दे दिया, या फिर जैसे सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट जो है वो हमें कहता है कि दोनों पार्टीज़ ने अगर अपना अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है और उनमें से एक पार्टी आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेती है और दूसरी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने में फ़ेल हो जाती है, तो जो पार्टी आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर चुकी है उसका आर्बिट्रेटर सोल आर्बिट्रेटर तसव्वुर होगा अनलेस एंड अंटिल के दूसरी पार्टी जो है उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन पिटीशन कोर्ट में फाइल कर दे। अब अगर ये सिचुएशन हम ले लें और एक आर्बिट्रेटर जो है कि सोल आर्बिट्रेटर तसव्वुर हुआ और दूसरी पार्टी ने ऑब्जेक्शन पिटीशन फाइल कर दी और जो सोल आर्बिट्रेटर था उसने उस ऑब्जेक्शन पिटीशन के डिसीजन का इंतज़ार किए बगैर ही आर्बिट्रेशन में अपना डिसीजन दे दिया, तो वो अवार्ड भी जो है वो इम्प्रॉपरली प्रोक्योर्ड होगा, या आर्बिट्रेटर जो है सिर्फ एक पार्टी से ही एविडेंस लेके और उसके ऊपर ही अपना डिसीजन दे रहा है तो भी वो इम्प्रॉपरली प्रोक्योर्ड होगा और ऐसा अवार्ड जो है कोर्ट सेट असाइड कर देगी। एंड द अवार्ड इज़ अदरवाइज इनवैलिड,
मतलब अवार्ड जो है वो ऐसे डिस्प्यूट पे है जो कि कोर्ट ने रेफ़र ही नहीं किया या दोनों पार्टीज़ ने रेफ़र ही नहीं किया, तो भी अवार्ड जो है वो इनवैलिड तसव्वुर होगा और कोर्ट उसको सेट असाइड कर सकती है। अब जो हमने सिचुएशंस पढ़ी थी रेमिटेंस ऑफ अवार्ड में, वही सारी सिचुएशंस जो हैं वो सेटिंग असाइड ऑफ अवार्ड में भी आ सकती हैं, क्योंकि रेमिटिंग ऑफ अवार्ड डिस्क्रिशन है कोर्ट की। अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट को अवार्ड को रिमिट कर सकती है फॉर रिकंसिडरेशन, और अगर वो चाहे तो वो स्ट्रेट वे उसको सेट असाइड कर सकती है। अभी हम सारी सिचुएशन दोबारा से पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले एक अवार्ड आया। अवार्ड क्या है? अवार्ड है जजमेंट बाय आर्बिट्रेटर। दो पार्टीज़ थी, दो पार्टीज़ के दरमियान कोई बिजनेस डीलिंग्स थी, उनका एक एग्रीमेंट था जिसके दरमियान एक आर्बिट्रेशन क्लॉज मौजूद था। उस एग्रीमेंट के से रिलेटेड पार्टीज़ के दरमियान कोई डिस्प्यूट आया, पार्टीज़ ने डिस्प्यूट आर्बिट्रेटर को रेफ़र कर दिया। जब आर्बिट्रेटर ने दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद अपना डिसीजन दिया, उस डिसीजन को आर्बिट्रेशन अवार्ड कहते हैं। अब इस डिसीजन को आर्बिट्रेटर ने साइन करना है और ये डिसीजन इन राइटिंग होना चाहिए। आफ्टर साइनिंग एंड राइटिंग ऑफ अवार्ड, आफ्टर राइटिंग एंड साइनिंग ऑफ अवार्ड, आर्बिट्रेटर दोनों पार्टीज़ को नोटिस सेंड करेगा ऑफ मेकिंग एंड साइनिंग ऑफ अवार्ड। और अगर ये आर्बिट्रेशन विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट हुई है, क्या मतलब दोनों पार्टीज़ के दरमियान डिस्प्यूट आया था और एक पार्टी जो है वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर रही थी, तो दूसरी पार्टी ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी और कोर्ट के थ्रू आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, इन दैट केस आर्बिट्रेटर आफ्टर मेकिंग एंड साइनिंग ऑफ अवार्ड अवार्ड को कोर्ट में सबमिट कर देगा दोनों पार्टीज़ को नोटिस सेंड करने के बाद। और अगर ये आर्बिट्रेशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट हुई है, तो आर्बिट्रेटर आफ्टर मेकिंग एंड साइनिंग ऑफ अवार्ड दोनों पार्टीज़ को नोटिस सेंड कर देगा दैट अवार्ड हैज़ बीन मेड एंड साइंड। अब जब आर्बिट्रेशन अवार्ड कोर्ट में सबमिट होगा, तो कोर्ट फिर से दोनों पार्टीज़ को नोटिस सेंड करेगी दैट कोर्ट अवार्ड हैज़ सबमिटेड इन द कोर्ट, और साथ ही साथ कोर्ट जो है ख़ुद से अवार्ड को एग्जामिन करेगी। अब जब कोर्ट ख़ुद से को अवार्ड को एग्जामिन करेगी, तो वो देखेगी कि वेदर इट हैज़ एनी एरर ऑन द फेस ऑफ इट और नॉट। और अगर कोर्ट ये देखती है कि अगर उसमें कोई एरर है और ऐसी एरर है कि अवार्ड को मॉडिफाई किया जा सकता है, तो वो खुद से उसको मॉडिफाई कर देगी। और अगर कोर्ट देखती है ऐसी एरर है कि को अवार्ड को रिमिट किया जाना ज़रूरी है जो कि सरकमस्टांसिस रिमिटेंस के दिए गए हैं, तो कोर्ट जो है वो उसको रिमिट कर देगी आर्बिट्रेटर को फॉर रिकंसिडरेशन, और अगर चाहेगी तो वो स्ट्रेट अवे उसको सेट असाइड कर देगी। और अगर कोर्ट को एग्जामिन करने के बाद ये लगे कि अवार्ड में किसी किस्म की कोई गलती नहीं है, प्रॉपरली वेल रीजन्ड है, सही तरह से लिखा गया है, तो कोर्ट जो है वो अपनी जजमेंट प्रोनाउंस करेगी इन टर्म्स ऑफ अवार्ड, और इसे डील कर रहे हैं सेक्शन 17 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट। अब जब दोनों पार्टीज जो हैं वो कोर्ट में जब अवार्ड सबमिट कराती हैं, तो या आर्बिट्रेटर जो है वो को अवार्ड कोर्ट में सबमिट कराता है, तो अगर किसी पार्टी को ग्रीवेंस हो अवार्ड से रिलेटेड, तो वो अपनी पिटीशन फाइल कर देती है, एप्लीकेशन फाइल करती हैं फॉर रिमिटिंग और सेटिंग असाइड ऑफ अवार्ड। और तो इस सूरत में कोर्ट जो है दूसरी पार्टी से जवाब तलब करेगी, दोनों पार्टीज़ को सुनेगी, और अगर कोर्ट को लगे कि अवार्ड को सेट असाइड हो जाना चाहिए, तो इन दैट सिचुएशन भी कोर्ट जो है अवार्ड को रिमिट भी कर सकती है, सेट असाइड भी कर सकती है। होप सो आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आर्बिट्रेशन अवार्ड, और इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन।